अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं और मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा। मैं फिर जो है वो आपको ज़लबरी में जो न्यू आर्टिकल्स आए हैं वो दिखाऊंगी। तो जी, ये थोड़ा सा बार बारिश का मौसम था, मैं इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा क्यों ना जो है वो आप लोगों को भी थोड़ा सा मौसम इंजॉय करवाऊँ। और बहुत ही मज़े का मौसम हुआ हुआ है इस दफ़ा मई में भी। और ये मैं अपने घर की विंडो से बना रही हूँ और साथ जो है ये मेरे घर के साथ पार्क है, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा आपको दिखा दूँ। तो जी, फिर मैं शाम को थोड़ा सा फ्री होकर आई थी ज़लबरी पर, और ज़लबरी पर आए हुए थे न्यू आर्टिकल्स। अच्छा, जो न्यू आर्टिकल्स थे मैं सिर्फ आपको उनकी वीडियो बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं पीछे जो है वो अपने व्लॉग में जो है वो दिखा चुकी थी। जो बाकी सारे ड्रेसेस थे, लेकिन जो न्यू आर्टिकल्स आए हैं मैं अभी फ़िलहाल आपको वही दिखा रही हूँ। और ये कुछ कुर्ते थे और इसमें बस कुछ जो मुझे याद थे कि मैं पहले बना चुकी हूँ उनकी, तो मैंने नहीं बनाई। और जो मुझे मतलब है कि न्यू आर्टिकल्स लग रहे थे कि आए हुए हैं, तो उनकी वीडियो जो है वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। और एक ये वाला आर्टिकल तो बहुत ही खूबसूरत आया हुआ था, रेड कलर में। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अच्छा, इनके प्राइजेस जो है ना, बस वो इस दफ़ा भी नॉर्मल ही हैं, इतनी ज़्यादा इनकी नहीं है। हर इंसान के रेंज में है कि आराम से जो है ना वो बंदा इनके ड्रेसेस ले सकता है। और आपको पता है कि इनके ड्रेसेस की नॉर्मल प्राइजेस होती हैं, और सेल जो है वो मैंने आपको शायद पीछे भी बताया था कि इनकी सेल नहीं लगती। और इनके बैग्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस पे लगे हुए थे। अच्छा जी, ये कुछ जो हैं बिल्कुल न्यू आर्टिकल्स वो मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, साथ साथ इनके आर्टिकल्स आते जाते हैं और सेल होते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा सेल जो है ना मेरे ख्याल से इस दफ़ा जलबरी की है। और ड्रेसेस भी जो है ना इनके बड़े अच्छे और मतलब फ़्रेश फ्रेश कलर आते हैं। 1790, 1920, बस इस तरीके से इनके जो है ना वो प्राइजेज हैं। ज़्यादा हाई जो है वो है नहीं। और बाकी पता है आपको कि बाकी ब्रांड्स के प्राइजेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अच्छा जी, ये कुछ जो हैं वो आर्टिकल्स जो हैं, अच्छा 1490। अच्छा, कुछ की तो बहुत ही कम प्राइस है ना, कुर्तों की तो कम ही होती है। जो थ्री पीस है उनके भी इतने ज़्यादा प्राइजेज नहीं है इनकी। इनके तो अनस्टिच ड्रेसेस जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहे थे। अच्छा जी, फिर मैं आ गई थी बाटा पर, और यहाँ पर भी जो है ना वो 20% ऑफ लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि जा के देखते हैं जी कि क्या ऑफ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब मैं आई तो इधर तो बहुत ही कम जूते ऐसे थे जो 20% ऑफ पे लगे हुए थे, बाकी सब जो है वो अपनी फुल प्राइस पे थे। अच्छा, ये बहुत सारे जो है ना वो जो ब्रांडेड कपड़ों वाली शॉप्स हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है। और भी काफ़ी सारी शॉप पे मैंने जाके देखा है कि ऑफ के चक्कर में जो है ना इन्होंने बस कुछ थोड़े से अपने आर्टिकल्स रखे हुए हैं, बाकी तो जो है ना कोई ऑफ शॉफ नहीं है, अपने फुल प्राइस पे हैं। थोड़े से जो हैं ये आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर ऑफ लगा हुआ है, लेडीज़ का भी और बच्चों के सेक्शन पे भी मैंने जाके देखे थे। खैर, जेंट्स वाले सेक्शन में तो मैं गई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो कुछ पुराने जूते थे, सैंडल्स वगैरह, बस कुछ कम ही थे, तीन चार थे ऐसे जिनके ऊपर ऑफ था। और अच्छा, ये एक सेक्शन था जिसके ऊपर सिर्फ ऑफ था। बहुत ही कम जूते ऐसे थे जिनके ऊपर ऑफ लगाया हुआ था। तो जी, मुझे तो उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, और जो अच्छे लग रहे थे उनके ऊपर कोई ऑफ वगैरह नहीं था। 20% ऑफ लगाया हुआ है इन्होंने, और 7000 के जूते हैं, जो आपको पता है मेडिकेटेड शूज़ हैं, और इनके ऊपर भी कोई ऑफ ऑफ कोई नहीं है। अच्छा, ये बस ड्रामा ही है ऑफ का, इस दफ़ा हर जगह पे ये चला हुआ है। और फिलहाल जो है ना मुझे कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगा ऑफ पर, और जो है कि वो मैं देखूं।
अच्छा एक शूज़ मैं ये देख रही थी, सैंडल बना हुआ था, इसके ऊपर ऑफ था, लेकिन ये मैं अपनी बेटी के लिए देख रही थी, मुझे उसके लिहाज से कोई कलर इतना अच्छा नहीं लगा। और जो है ना ये ऑफ के चक्कर में बाहर भी रश इतना ज़्यादा हो गया है ना लोगों का, और इसी तरह जो है वो शॉप्स वगैरह पे आ रहे हैं। और जब मैं घर जाने लगी तो जी रास्ते में ये एक एक्सीडेंट हुआ हुआ था, और ये देखें कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट की ऐसी जगह नहीं थी, और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को बचा लिया। ये कोई था ट्रक था और ये यहाँ पर आया है, इसकी ब्रेक फेल हुई थी और ये डबल रोड थी। और देखें जी अभी मैंने आपको दिखाया कि कितना ज़्यादा रश था ना यहाँ पर, और इधर आके तो ये लगा है इधर इस प्लाजे की दीवार के साथ और ये उल्टा हो गया है, और आगे से जो आपने हालत देखी है उसकी के वो तो बिल्कुल पिचक गया था आगे से ट्रक सारा। और उसको मैंने सुना 9:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था और 12:30 बजे उसको निकाला है, उसकी तो डेथ हो गई। और साथ एक मोटरसाइकिल वाला था उस वो नीचे आ गया था इसके, और एक ये गाड़ी, और शुक्र है गाड़ी खाली थी, इसमें कुछ भी लोग वगैरह नहीं थे। और मोटरसाइकिल वाला जो वो आया है तो उसका नहीं पता कि उसका क्या हाल है, लेकिन ये जो है कि जो ट्रक चला रहा था वो बता रहे हैं कि जी उसकी डेथ हो गई थी और इसको काट के निकाला गया है, और ये आकर इस द्वार के साथ लगा है, हालांकि साथ रोड भी जा रही थी। तो जी अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, और जो फोत हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। मोटरसाइकिल वाले का भी हाल सीरियस ही था। तो बस चलें जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।